रंगूल का पता है नहीं दर्शन रुपया बड़े अच्छे ना चल देख लो कसा येलो आसा रेड आसा रेड घातला उदकाचे आणू मला येणार होते वेलकम बैक टू माय चैनल तो कशा आसा तुम्ही ओके और सुबह हम गए थे पणजी तो एक्चुअली अचानक प्लान हो गया था हमारा प्लान था कि खाना खा के बाद में जाएंगे पणजी सामान लाने तो पापा ने फोन किया कि रेडी हो जाओ चलो जाके सबको सामान जो है ना लक्ष्मी पूजा के लिए लेके आते हैं तो सुबह ना 10 बजे हम लोग गए थे पणजी सब कुछ सामान जो है ना लेके आ गए हैं और मैंने वैसे वैसे रखा है तो अभी टाइम नहीं मेरे पास तो फिलहाल ना खाना बनाना है पहले तो सोचो चलो पहले खाना बनाते हैं उसके बाद में और जो काम है ना वो बाद में कर लेते हैं ओके और आज ना पणजी में बहुत ही भीड़ था तो कल दिवाली है ना तो इसलिए ओके तो सब कुछ मैं लेके आ गई हूँ सामान वगैरह इसको मैं बाद में रखूँगी फ्लावर्स वगैरह मैं बाद में फ्रिज में रखूँगी थोड़े फ्रेश रहेंगे ओके और अभी ना मुझको तो अब ना मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक सिंपल सा एक राइस बनाऊँगी मैं लेमन राइस उसको ना साउथ में ना चित्रणा बोलते हैं कि वो क्विक बन जाती है और ये वन टाइम खाने के लिए ना बहुत ही अच्छा है तो रात को ना हम लोग जाएंगे ना नकाशा देखने तो रात को पता नहीं हम लोग 6 बजे ऐसे जाएंगे हम लोग जल्दी निकलेंगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा सब कुछ देख के ओके वीडियो सबको निकालना है ओके तो एक टाइम के लिए मैं अभी बनाऊंगी वो लेमन राइस उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ और रात को देखते हैं कुछ बाहर कुछ लाइट कुछ खा लेंगे ओके तो मम्मी ना दलने इतने बहुत आता था वीडियो एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है तो खाना बना के ना बाद में ना मुझको गिफ्ट वगैरह पैक करने हैं मतलब लोगों को देने के लिए मैंने बोला है ना मैं एक टोकरी में सब कुछ डाल के दे दूँगी वो मुझे अभी पैक करना है सब कुछ ओके सोचा चलो पहले खाना बनाते हैं क्योंकि रवि रीति वो आ जाएंगे उनका आज इवेंट है पणजी में GCA गोवा क्रिकेट एसोसिएशन उनका है तो शाम को मुझे लगता है 5 बजे ऐसे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे नरकासुर देखने मैंने अभी तक ना चेयर पे ना कवर वगैरह नहीं डाला है थोड़े गीले है सुखोंगना मशे वाले ऐसा सान पर सुखतले मजे गालतले हम ओके तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं लेमन राइस या फिर आप उसको कह सकते हैं चित्रणा तो इस रेसिपी में ना प्याज और टमाटर डाले बिना आप ये बना सकते हैं लेमन राइस ओके क्विक बनती है और वन टाइम के लिए अच्छा है खा सकते हैं और कुछ नहीं बनाया मैंने पापड़ बनाऊंगी मैं उसके बाद हम लोग वाटरमेलन खाएंगे वाटरमेलन कट करके ना मैंने फ्रिज में रखा था निकाल के मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि कल हमने खाया था रीति ओपन नहीं खाया था वो खाना खा के ना काम पे चले गए थे तो खाना खा के ना उसको देंगे लेमन राइस लेमन राइस बड़ा लगता चिली चिली काट ना चिली चिली ना ज्यादा खंच जाना रे रित्वी चिली घातला मस्त जेवण बरं लागतं मस्त चिली खाल्यामुळे काय झालं चिप्स बरं खाता मरे त्यांना तीक लागना चिप्स बरे खाता कितले इतिक आसू बरे एक ब्लाती उदीक घेता आनी चिप्स खाता
ये बड़ा वही था इनका थम्स अप पिता। हाँ थम्स अप नहीं। ओके तो चलिए चलते किचन में फटाफट बनाते हैं। ओके बाद में मुझे को सब कुछ गिफ्ट वगैरह पैक करना है। ओके चलिए तो मैं ना ये जो लेमन राइस है ना इस कुकर में बनाऊंगी। ओके मैंने राइस ना ऑलरेडी बना के रख दिया है। ओके अब इसमें ना तड़का देते हैं। अब इसमें डालते हैं एक बड़ा चम्मच तेल। तो तेल ना हल्का सा यहाँ पे गर्म हुआ है तो अब इसमें डालते हैं एक छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी राई। तो अब इसमें डालते हैं एक छोटी चम्मच उड़द दाल और चना दाल, दो ड्राई रेड चिली और यहाँ पे ना अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, बस थोड़ा डाला मैंने कि मुझे ना ज़्यादा अदरक पसंद नहीं है। यहाँ पे ना मैंने दो चिली को ना कट कर लिया है, जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप चिली डालिए। थोड़े से हींग डालते हैं। करी पत्ता और अब इसको ना हल्का सा सॉटे करते हैं, ज़्यादा बर्न ना करें, फ्लेम है ना यहाँ पे लो रखिए। बड़ा मिक्स कर दिया तो इसको ना मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, फ्लेम को लो रखिए, इसको बर्न ना करें ठीक है। तो अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, बड़े मिक्स करा। अब इसमें डालते हैं राइस। राइस ना मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया था, अब इसे ना अच्छे से मिक्स करते हैं। नमक डालते हैं स्वादानुसार। और अब इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए कैजू नट्स और पीनट, मिक्स करा। कैजू नट को और पीनट को ना मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें डालते हैं एक लेमन जूस, मिक्स करें। और फाइनल इसके ऊपर डालते हैं चॉप किया हुआ धनिया। यहाँ पे ना लेमन राइस या फिर चित्रना इसे कह सकते हैं तो बनके रेडी है। और इसको ना गर्मा गर्म ही खाना है, यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेमन राइस बनके रेडी है, बड़ी येलो येलो। ओके जब भी ना कभी राइस रह जाता है ना लेफ्ट ओवर राइस तो आप इसको इस तरह से तड़का देके ना बना सकते हैं। पर एका नहीं गरम गरम खाऊं दे, ठंड खाऊं का फायदा ना बला ना। तो गरम गरम खाइए, एक पापड़ लॉन्च असला पुराने का ना का कि आयो बाहर ना क्रैकर्स की आवाज देखिए। हाँ तो कह दिया आटा मरे पॉप। हाँ आटा आटा पॉप आटा टाइम असर इनका कि तो पापड़ काम आता ही राजीव पक। ओके तो पहले ना खाना खा लेते हैं, बाद में जो गिफ्ट वगैरह पैक करना है ना वो बाद में कर लेते हैं। ओके यहाँ पे ना मैंने फ्लावर्स को ना इसमें डाल के रख दिया है ना, सुख तलते हैं नहीं तो नहीं उत्कान नहीं, थोड़ा साकर डालूंगे यहाँ शुगर, जिससे ना जो फ्लावर है ना बहुत दिन तक अच्छे से रहता है। ये मेरा किसी सब्सक्राइबर ने ना मुझे कमेंट करके बोला था और जिसने वो बोला है ना वो सच बोला है, बहुत दिन तक रहते हैं, मुझे ये बहुत ही पसंद आया। मैं कहता कलर मारता थे मैंने, हाँ कलर मारला ये साढ़े 20-20 रुपया है, 20 रुपया ये 20 रुपया मेरी सनी ये 50 रुपया ये महंगा है भाई साढ़े 20-20 रुपया है। गुलाब हाय मोर हाय आने की लाला हाँ ओके मैंने बोला था आते वक्त स्वीट लेके आने के लिए कल देवा लक्ष्मी पूजन देवा दौर पाक। ओके मैं इसको अंदर रखती हूँ ना आता हाथ लगे थाली लेमन राइस पापड़ पिकल सांग खाऊन बड़ा टेस्टी खाल तू है वेरी गुड भूख लाल सब अपने बड़ा नहीं मशे आंबट लगते ले किरा उस डिश का नाम ही है लेमन राइस बलगता पर गरम खाऊंगे हाँ गरम खाया क्या गरम क्या गरम
थंड खाला है बला चलना ते असे ते हाल करी ती मका मी काम असा मसे यो बेबी जोन गया मैं आयदन असा मरे टाइम आता असा पप्पा तू का वाटरमेलन पप्पा को ना मैं वाटरमेलन कट करके रखती हूँ आता धावतलो तो जून बिगनर ओके तो मैं खाना खाती हूँ ट्राई करूँ पाया था लेमन राइस खूब इजी ऐसा सिंपल सा ना प्याज ना टमाटर बरे नहीं ओके तो चलिए इनको मैं ना वाटरमेलन कट करके देती हूँ बाद में हम लोग बैठते हैं खाना खाते हैं उसके बाद वो जो गिफ्ट है ना वो पैक करते हैं ठीक है लेके आए हैं खजू डाला लाडू लाडू काजू कटली याने खाऊशी भला देवा के ये ना लिपू लिपू रहता खाता ना देवा मका खाऊं दे खाना खाओ पर जाइए देखिए मका आवडता मिठाई काजू कटली काजू ओए भला देवा नेवे दखो पाजे मैं खाओ पाजे ऊपर कर अपना पिशन गल ओके तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और जो सामान मैं लेके आई थी ना उसको सब रखना है अपनी जगह पे ये मैं दिखाती हूँ उनके वहां से मैं क्या क्या लेके आई हूँ तो ये दो हार लेके आई हूँ और ये एक लेके आई हूँ ये 60 रुपये मीटर और ये मेरा अभी ना नेबर ने दिया है कड़ी पत्ता साइडन दौरिया और यहाँ पे ना मिक्स फूल है और ये है मैरीगोल्ड ऑरेंज और एक वो येल्लो और टमाटर लेके आई हूँ 5 तरह के फल हैं नींबू और यहाँ ऐसा खावपाचे पान खाने का पान और ये मटर का खड़ी साकर मटर का छोटे छोटे साइज के और इसमें है खजूर खजूर दवा दाखला लींबू दाखला हमें फुला आसा सही हो और ऐसे वाले थोड़े लेके आई हूँ मैं और ये फाती देवा लक्ष्मी की नहीं गालपाक फाती आनी है आमेचे पाना बस इतना ही है तो इन सब चीज़ों को ना अभी मुझको ना फूल वगैरह है ना फ्रिज में रखना है अच्छे ठंडा असले नहीं बरातले और कल ना मैं रंगोली वगैरह नहीं डालूंगी फुलाचे पाना मतलब फुलाचे पकड़े आसा पे तुम रंगोली घालते कि हर साल ना मैं रंगोली निकालती हूँ इस साल सोचा चलो थोड़ा अलग करते हैं तो कल को फुला में चढ़ हल्ला तो फूलों का मैं रंगोली डालूंगी फुला मदी मैरी गोल्ड मिसाइडिंग गुलाब शेवंती ऐसे ओके तो इन सारी चीज़ों को ना मैं फ्रिज में रखती हूँ और कड़ी पत्ता को ना मैं निकाल के ना एक डब्बे में भर के रखती हूँ तो आप लोगों को पता होगा कि दशहरा के दिन ना इनको एक इवेंट आया था मार्शल में तो आते वक्त ना ये लेके आए थे दशहरा के टाइम उस दिन इतने हाड़ला पिशू भरून आसा बहुत है हमें बस चार ही चाहिए बाकी सब उरतले असो तो रिती अपना लेके आए हैं ये देखिए मैंने बरे हा फ्रिजीन बरे बांधन दौल अजू बरे हा तो थोड़े बहुत मैं नेबर्स को दूंगी और आगे जो एक नेबर है उनको भी दूंगी देखती हूँ अगर वो लोग लेके आए तो उसको फेंक देना पड़ेगा ना मामा काफ़ी है इसको दो और रिती पकड़ दो तो फुटपाथ फाल्या पिशू भरू हाड़ला तो वो लोग उस दिन वो काम पे गए थे ना तो वहाँ पे उसने गाड़ी पार्क किया था आणि पुढे जंगल असलेले तो जंगलांनी भरपूर लावलेले खय ओके ते बहुत सारे थे तो वो निकाल के लेके आ गए ये देखी पिशी भरून खूब आम्ही म्हटले इतले गेला हाडले थोडे भाजी कर खय खातो भाजी होय होय कडू ते होय होय खय ओके तो दिखे तो ये सब कुछ ना फ्लावर्स वगैरह में ना यहाँ फ्रिज में रख रही हूँ तो ये देखिए इस तरह से ना मैं कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं ना निकाल के डब्बे में भर के रखती हूँ जब चाहे जल्द निकालो अच्छे से वॉश करो और इस्तेमाल करो तो चलिए सब कुछ अभी पैकिंग करते हैं तो मैं दिखाती हूँ कि मैं इस टोकरी में क्या क्या अंदर डालने वाली हूँ तो यहाँ पे ना मैंने ऐसे काजू और किशमिश के इस तरह की पैकेट में उसको मैंने भर के रखा है ये देखिए काजू और किशमिश दूंगी मैं और उसके बाद ये लोटो चोको पाए और ये स्निकर्स दूंगी और ये जो है ना लाइट जब इसको आप पानी के अंदर रखोगे ना ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा तो ये एक डालूंगी मैं और ये है शेव चूड़ा तो ये सब कुछ मैं इसके अंदर डाल के देने वाली हूँ तो हर साल ना हम लोग स्वीट देते थे तो इस बार सोचा चलो कुछ अलग करते हैं बस एक थोड़ा बहुत प्लान बनाया और देखिए तो बस ना तो मैं ना एक 12 टोकरी बनाऊंगी एक्चुअली ना 8 ही लोग हैं देने के लिए तो एक 4 मैं एक्स्ट्रा बना के रख दूंगी तो एक्चुअली 15 है टोकरी तो 12 मैं बना के रख दूंगी अगर कम पड़ेगा ना तो फिर से मैं कल बनाऊंगी ओके तो चलिए इसको अभी पैक करते हैं
तो ये रहा इस तरह से। तो प्लीज़ कमेंट करें ये कैसे लग रहा है। ओके, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो टोकरी है ना परफेक्ट है, छोटे साइज़ का है ना, परफेक्ट है। ये देखिए फाइनली हो गया। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है इसे पैकिंग करते वक्त ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल ना मैंने सिर्फ 10 किया है, देखते हैं अगर कम पड़ता है तो और करेंगे। सब कुछ है इतने ढांचा वगैरह कोड ना, एक 7-8 उतलों का के वो सब बाद में करेंगे, इसे बनाऊंगी कल बनाऊंगी। ओके, तो ऑलमोस्ट ये जो काम हो गया है और शाम को जाएंगे नरकासुर देखने, तो उसका अलग व्लॉग आएगा। अब ना थोड़े दिन के लिए ना व्लॉग ना आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एडिट करने में ना बहुत टाइम लगता है और टाइम भी नहीं है। सगळं काम करून नी मगे एडिट करप म्हटलं नी खूप तकलीफ जड जाता। फोल्डिंग कॅन्डल को आसान या किदे फोल्डिंग कॅन्डल फ्लोटिंग कॅन्डल सप्ले। ओके, तो और लाना है फ्लोटिंग कॅन्डल। बरे हात कॅन्डल उदकान दौल्या पुरो लाइट ऑन जाता। हाडिया रस्ते शॉपा मेळटा, हमारे बाहर जो शॉप है ना वहां मिलता है, वही हाड़िया लावे हमें। ओके ओके, तो चलिए गाइज आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। और ना ये सब कुछ अभी हो गया है और बहुत काम है, अभी कवर डालना है सोफ़ा पे और चेयर पे कवर डालना है, सब कुछ अभी थोड़ा बहुत रेडी करना है कि कल तो होगा नहीं। और कल ऋतिक पापा रहेंगे भी या नहीं मालूम नहीं है, फॉ खोपाक कितना हो इतना खबर ना, सकाल बिगिना उठूँ कर चपटल है पोया की रात। ओके, तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। और ये गिफ्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। दसरा रे सॉरी दसरा कर। तो तुमका सगळ्यांना दिवाळीची खूप खूप शुभेच्छा। ओके, बाय।